आप सबका हमारे प्रोग्राम इस्लामिक क्वीन 2017 में टाइम ऑफ द में परवास की पूरी टीम आप सब की मशहूर व मकबूल है कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। हमारे प्रोग्राम का मकसद ये नहीं है कि कौन हारता है और कौन जीतता है, यानी जीत हार इसका मकसद नहीं है। माहिर अबुल अव्वल के निस्बत से हमने ये प्रोग्राम का आगाज़ किया है, यानी कि इसका मकसद ये है कि हम सब तक इस्लामी तालीमात पहुँच सके, यानी हम इस्लामी तालीमात सीख सके और दूसरों को भी सिखा सके, इसका हमें मौका मिल सके। इसीलिए हमने ये प्रोग्राम का आगाज़ किया है। हार जीत कोई मायने नहीं रखती, बस आप दिल से खेलिएगा। तो आइए हमारे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हमदे बाला ताला से। तो मैं आवाज़ दूंगी नाज मिर्ज़ा को, आए वो और अपना हमद सुनाए और हमारे प्रोग्राम का अच्छे अंदाज में आगाज़ करें। तो वही बहन हिमालय बना बना के जिम्मेदार। अल्लाह के हुजूर में सर को झुका कर देख, अल्लाह के हुजूर में सर को झुका कर देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाकर देख। इलाही
के जजेस को आवाज देती हूँ, डॉक्टर सैयदा जैनब और रशी अकबाल मंदरमा को स्टेज पर तशरीफ लाए। चुप के चुप।
ख्वाहिशमंद है वो आकर पढ़ सकते हैं। मैं आपको आवाज देती हूँ कि वो आए और अपनी नाम पेश करे। नाते पाक इस जो अल्लाह के नबी के शान में पढ़ी जाती है उसको नात कहते हैं। Yeah.
माशाल्लाह बहुत ही अच्छे नाम तुमने सुनाई। जो भी कॉलेजेस की टीम अगर कोई और दिलचस्पी रखते हो इस प्रोग्राम में या फिर कोई प्रिपेयर हो तो वो एक टीम बना सकते हैं, तो है कोई इंटरेस्ट है? हाँ बना सकते हैं कोई एक टीम। भाईगम, जबीन बेगम, नाज़नीन सुल्ताना एंड अफीफा नाज। और हमारी तीसरी टीम है गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज से अकीला, सुमैया कौसर, जवेरिया और सुमेरा अंजुम। और एक टीम है जिसमें दो कॉलेजेस की लड़कियां पार्टिसिपेट हुई है, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज और रिसेंट। Thank you.
सही आंसर नहीं है, जवाब दुरुस्त है। इनको मिलते हैं प्लस 5 पॉइंट्स। तो आइए हमारा नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन सुनते हैं। कुराने मजीद के किस सूरे में शुरू में बिस्मिल्ला नहीं है? मैंने आपको पहले भी बताया कि क्वेश्चन दबाइएगा, मैं क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर रहा, तो आप लोग बजर दबा रहे। जजेस को थोड़ा कंफ्यूज होगा कि बजर पहले कितने दबाया, तो पहले प्लीज आप क्वेश्चन सुन लिए कि मैं क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है। क्वेश्चन सुनिए, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कुनियत क्या थी? चाहते हैं या नहीं, सवाल तो कंप्लीट करने दें। कुरान मस्जिद में यायू और नबी कितने मर्तबा गवर्नमेंट चुने गए थे? Thank you.
बता दें तो एक शख्स ने उस पर पूछा, आप मैं तो मजलूम की मदद कर सकता हूं, मैं तो मजलूम की मदद करूंगा बेशक, लेकिन मैं जालिम की मदद कैसे करूं? तो हुजूर ने बताया, बहुत ही अच्छे अंदाज में बताया कि तुम उसको जुल्म करने से रोक दो, वही उसके हक में सही होगा, यानी कि तुम उसकी मदद कर पाओगे। तो जालिम को जुल्म करने से रोकना भी एक मदद है। माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी हदीस थी, उम्मीद है कि आप लोगों को। वैसे हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं तो जो भी हमारे रूल्स, एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगी कि आप लोग क्वेश्चन सुनने से पहले सोच लीजिए, और बिल्कुल नर्वस होने की जरूरत नहीं है, बजर आप दबा सकते हैं, लेकिन अगर आप दुरुस्त आंसर नहीं दोगे तो आपके माइनस पॉइंट हो जाएंगे, और अगर आपको शिकायत है कि आपका बजर दबाने के बावजूद भी आपको आपकी टीम को नहीं बताया जा रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर जजेस मौजूद है, वो गौर कर रहे हैं कि कौन सी टीम ने फर्स्ट बजर दबाया है, तो आप लोग कोई शिकायत मत रखिए। तो आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, तो सुनते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। आप रज़ाला रज़ाला रहा कहाँ दफन हुए? थोड़ा ऊंचा बोलिए। जन्नतुल बकी। क्या कहते हो, यह आंसर सही होगा? ऑडियंस, बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है, ऑडियंस आप लोग बताइए क्या यह आंसर सही हो सकता है? कोई जवाब नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका आंसर बिल्कुल दुरुस्त है, तो पॉइंट टीम को मिलते हैं प्लस पॉइंट। तो आइए हमारा अगला क्वेश्चन जानते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, गौर से सुनिएगा। हजरत खालिद बिन वलीद का खिताब क्या था? स्टैंडर्ड कॉलेज। हजरत खालिद बिन वलीद का किताब सैफुल्लाह जी, दुरुस्त आंसर है। स्टैंडर्ड टीम को मिलते हैं प्लस फाइव पॉइंट। तो आइए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों ने इतना दीनी मालूमात, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इस कॉम्पिटिशन के जरिए आपके अंदर थोड़ा बहुत नॉलेज आया होगा ना, माशाल्लाह बहुत खूब। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज कब किया? स्टैंडर्ड कॉलेज। स्टैंडर्ड कॉलेज। माहे ज़िलहज और भी आगे होगा कुछ 11 हिजरी। जी नहीं, ये आंसर रॉन्ग है, आपको मिलते हैं माइनस पॉइंट। इसका सही आंसर है महान दिल हज्जा 10 हिजरी में। आप मेरे लिए इसी तरह और एक क्वेश्चन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले कमाई जूनियर हॉल, आंसर बोलिए। इसीलिए तो हमने कहा था कि पहले आप क्वेश्चन सुन लेंगे तो आपको आंसर देने में आसानी है। जूनियर कॉलेज माइनस फाइव। बिदर क्या है और कहाँ वाक़ है? बदर एक गांव का नाम है जो 80 मील बजाने में मक्का वाक़ है। माशाल्लाह, बहुत ही सही आंसर है। स्टैंडर्ड टीम को मिलते हैं प्लस फाइव। तो आपके 25 क्वेश्चन, तो अब वक्त है फैसले का, तो जानते हैं कि फैसला क्या है, किस टीम ने कितने आंसर दिए और किस टीम के माइनस पाई है और किस टीम के प्लस पाई है। तो आइए हमारे जजेस बताएं कि आपको भी कौन सी टीम हमारे सेकंड राउंड में जाएगी। तो आइए हमारे जजेस से जानते हैं। Thank you.
कहने के लिए आयशा फातिमा को आवाज देती हूँ कि वो आए और अल्लाह ताला और उसके पाक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ कहे। आप लोग थोड़ा सा इंकरेज करने के लिए मैं आज की इस मजलिस में औरतों के बयान में औरतों के बारे में जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि औरतों का ही मजमुआ है और हमें चाहिए, औरतों को चाहिए कि हम कैसे माहौल में रहें, कैसे आमाल करें और किन किन आमाल से बचें। एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो अल्लाह के नबी की बेटी और दामाद है, अल्लाह के नबी के पास तशरीफ लाए तो क्या देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर गशी तारी है। अल्लाह के नबी दारो मदार हो रहे। जब देखा हज़रत अली ने अल्लाह के नबी दारो मदार हो रहे हैं, अल्लाह के नबी पर गशी तारी थी। मेरी प्यारी बहनों, जहाँ भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आए तो छोटा सा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर कहें। तो उस वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के नबी, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, किस वजह से आप रो रहे हैं? ऐसी क्या बात हो गई कि आप रो रहे हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जब मेराज की रात आसमान की सैर करने के लिए जब मुझे ले जाया गया था तो उस वक्त मैंने देखा, मैंने जन्नत की सैर की, जहन्नम की सैर की, पूरे आसमान दुनिया की सैर की। तो मैंने देखा कि जहन्नम में कुछ ऐसी औरतें हैं जो मुख्तलिफ किस्म के आज़ाबात में मुलव्वस थी और वो आज़ाबात इतने भयानक थे, इतने दर्दनाक थे कि उसके तसव्वुर से मुझे रोना आ रहा। तो उस वक्त फरमाए कि अल्लाह के नबी बयान फरमाइए कि वो क्या आज़ाबात है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने देखा कि एक औरत को उसके बालों के बल जहन्नम में लटका दिया गया। एक औरत है और उसको उसके बालों के बल जहन्नम में लटका दिया गया और उसका दिमाग खौल रहा था। उस औरत का दिमाग खौल रहा था। मेरी बहनों, एक तो जहन्नम में होना ही बहुत बड़ा आज़ाब है, ऊपर से बालों के बल लटका दिया गया। फिर उसके बाद मैंने दूसरी औरत को देखा कि वो अपनी जुबान के बल जहन्नम में लटका दी गई। दुनिया में अगर किसी को एक हाथ के बल जहन्नम में किसी झाड़ से लटका दिया जाए तो मेरी बहनों वही आज़ाब मौत से बदतर हो जाता है। तो यहाँ वो जहन्नम में जुबान के बल लटका दिया गया। तीसरी औरत जिसको मैंने देखा कि वो अपने सीने के बल जहन्नम में लटका दी गई। चौथी औरत जिसको मैंने देखा कि वो उसके दोनों हाथों को सीने से बांध दिया गया, उसके दोनों हाथों को चेहरे से बांध दिया गया और दोनों पैरों को सीने से बांध दिया गया। चौथी औरत। और पांचवी औरत जिसको मैंने देखा कि उसको कुत्ते की शक्ल यानी जंजीर का चेहरा दे दिया गया और उसका तमाम जिस्म कुत्ते की तरह से बना दिया गया। चौथी पांचवी औरत। छठी औरत जिसको मैंने देखा कि वो बिल्कुल कुत्ते की मानी, बिल्कुल कुत्ते की शक्ल उस औरत को दे दी गई थी और जुबान मुंह से जहन्नम फरिश्ते आंख दाखिल कर रहे थे उस औरत की। उसके बाद जब ये छह औरतों के आज़ाबात अल्लाह के नबी ने बयान फरमा दिए, ये आज़ाबात हो रहे थे वक्त कहकर, तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती कि अब्बा जान, आप तफसील से बयान फरमाइए कि ये जो छह औरतों को आज़ाबात हो रहे थे वो किस गुनाह की वजह से हो रहे हैं? ऐसे कौन से गुनाह थे उन औरतों के जिसकी वजह से ये आज़ाबात दिए गए?
तो मेरी बहनों फरमा के अल्लाह के नबी की पहली औरत जिसको बालों के बल जहन्नम में लटका दिया गया था वो औरत थी जो दुनिया में अपने बालों को संभाल कर सजा कर गैर मर्दों के सामने बाहर निकल जाया करती थी। तो उस वजह से उस औरत को जहन्नम में लटका दिया गया बालों के बल। और दूसरी औरत जिसको जुबान के बल लटकाया गया था वो औरत थी जो बहुत ज्यादा जुबान दराज थी, हर किसी के साथ जुबान दराजी से बदतमीजी से बात किया करती थी, अखलाक का नामो निशान उस औरत के अंदर नहीं था, तहजीब व तमीज उस औरत से कुछ दूर थी, जुबान दराजी करके अपने शौहर को तकलीफ दिया करती थी, बहुत ही ज्यादा मुंह फट थी। और तीसरी औरत जिसको सीने के बल लटका दिया गया था वो औरत थी जो दुनिया में अपना शौहर रहने के बावजूद गैर मर्दों के साथ ताल्लुकात बनाए रखती थी, गैर आदमियों के साथ ताल्लुक बनाए रखती थी, उस वजह से वो आजाद किया था। और उसके बाद चौथी औरत जिसको जिसके दोनों हाथ चेहरे से बांध दिए गए थे और दोनों पांव सीने से बांध दिए गए थे वो औरत थी जो गुस्ल करने में देरी किया करती थी, पाक धोने में देर किया करती थी, पाक धो जाने के बाद भी गुस्ल करने के लिए देर किया करती थी वो औरत। और पांचवी औरत जिसका चेहरा तुलसी की तरह बना दिया गया था वो औरत थी जो झूठी थी, झूठ बोला करती थी और जगलखोरी किया करती थी, अपने बहनों की शिकायतें किया करती थी, इस वजह से उसको आजाद किया था। और छठी औरत वो थी जो एहसान करकर एहसान जताया करती थी, किसी पर कुछ एहसान अगर कर दे तो एहसान जताया करती थी। मेरी बहनों आजकल तो एहसान करने वाले बहुत कम, लाखों में एक कोई एहसान करता है किसी पर, और एहसान करने के बाद भी चाहे वो माली एतबार से हो या किसी की मदद के एतबार से हो, एहसान करने के बाद एहसान जताकर अपनी नेकियों को गवाए नहीं, तो ये पांच आजाद हो रहे हैं। और मेरी बहनों जो औरत एक वाक्य में आता है कि जो औरतें फैशन ज्यादा किया करती है उनके बारे में वाक्य आता है कि एक खबर के पास से एक आदमी का गुजर हो तो वो आदमी को आवाज आती कि मुझे निकालो, खबर से आवाज आती है, एक कब्रिस्तान पर से एक आदमी का गुजर होता और उसमें से आवाज आती कि मुझे निकालो मैं जिंदा हूँ, खबर से आवाज आती, तमाम वो आदमी हैरान हो जाता कि ये आवाज क्या मेरा वहम है या मेरा वाकई आवाज आ रही है। तो जब दो तीन मरतबा वो आदमी सुनता है उस आवाज को तो उसका शक यकीन में बदल जाता है कि हाँ वाकई में आवाज आ रही है खबर से, तो वो क्या करता है कि आस पास ही के गांव से, पहले जमाने में जब आता है इबरत के लिए हुआ करते थे मेरी बहनों, तो आदमी आस पास के गांव में जाता है, उलमा से मशवरा करता है और कई लोगों को इकट्ठा कर उस खबर के पास लेकर आता है। जब खबर के पास आने के बाद उस खबर से मुझे निकालो मैं जिंदा हूँ की आवाज सब लोग सुन लेते हैं तो सब लोग ये मशवरा करके तय करते हैं कि हाँ खबर को खोलना जायज है ऐसे मौके पर। जब उस खबर को खोला जाता है निकाला जाता है तो मेरी बहनों उस खबर में से एक ऐसी औरत निकलती है जो नंगी बैठी हुई है खबर में, अल्लाह हू अकबर, और चीख रही है पुकार रही है कि मुझे मेरे घर से कपड़े ला कर दो, मुझे मेरे घर से कपड़े ला कर दो। जब लोग उसके घर का पता बताती है, जैसे ही लोग जाते हैं मोटी सी कम्बल लाकर उस औरत को देते हैं तो वो औरत फौरन कम्बल ओढ़ कर ऐसे लपककर खबर से निकलती है जैसे कि छोटा बच्चा बहुत देर से रो रहा हो और उसकी माँ नजर आ जाती है, फौरन लपक कर जैसे माँ की गोद में बच्चा चला जाता है, उस तरीके से वो औरत लपक कर खबर से निकल जाती, निकल कर दौड़ने लगती। और ये सब लोग जो पीछे उसको यानी खबर खोदने वाले लोग जो हैरान थे उस औरत को देखकर, ये लोग माजरे की हकीकत को जानने के लिए बेसब्र थे कि आखिर ये ऐसा क्या मामला है, तो वो औरत के पीछे भागते हैं, वो तमाम लोग उस औरत के पीछे उसके घर तक जाते हैं। घर तक जाने के बाद वो औरत क्या करती है कि अपने कमरे
घर में दाखिल होकर उस औरत को निकलने के लिए बोलते बाहर। पूरे मामले की हकीकत जानने के लिए उस औरत से कहते तो वो औरत कहती कि हम तुझे देखना चाहते हैं। औरत आखिर माजरा क्या है, तेरे साथ क्या मामला हुआ, हम तुझे देखना चाहते हैं। तो वो औरत कहती है कि मुझे देखने की तुम ताब ना ला सकोगे, मुझे देखने की तुम में हिम्मत नहीं है। तो वो कहते कि नहीं, हम फिर भी तुझे देखना चाहते हैं, हमें हिम्मत है। तो वो औरत कहती कि मुझे वही जिसमें हिम्मत बहुत है वही अंदर आए, बाकी के कोई लोग अंदर ना आए। तो कुछ लोग डर कर बाहर ही ठहर जाते हैं और कुछ लोग हिम्मत करकर अंदर रूम में दाखिल होते हैं। तो जैसे ही वो औरत अपनी चादर हटाती है थोड़ा सा, तो क्या देखते हैं कि उसके सर पर कुछ भी नहीं है, बाल है ना खाली, महज खोपड़ी नजर आ रही है। तो ये लोग पूछते हैं कि बंदी तुझे ये अजाब किस वजह से दिया गया। तो कहती कि मैं दुनिया में अपने बालों को संवार कर कर मर्दों के सामने निकला करती थी, मैं बेहरा बेकोशा निकल जाया करती थी गैर मर्दों के सामने, इस वजह से मुझे ये अजाब दिया। फिर जब और थोड़ा सा कमल को हटाती तो चेहरा देख जब देखते हैं लोग तो चेहरे पर भी कुछ खाल वगैरह नहीं रहती, महज दांत नजर आते उस औरत के। और होठों का ये हाल होता कि पूरे रिश्तों ने होठों को लोच लिया होगा उस बंदी की। तो कहते कि अगर दिन तेरा ये हाल किस वजह से हुआ, तो वह कहती कि मैं लिपस्टिक लगाया करती थी और लिपस्टिक लगाकर फैशन कर कर गैर मर्दों के सामने जाया करती थी, इस वजह से मेरा ये रिश्तों ने मेरे होठों को नोच लिया। फिर जब अपने हाथों को आगे करती आगे अपने हाथों को दिखाती तो पूछते कि ये हाथों का क्या हाल हो गया, यानी नाखून नहीं होते, बंदी के हाथों पर नाखून नहीं रहते। तो पूछते लोग कि नाखूनों का क्या हाल हो गया, कैसे हुआ। तो कहती कि मैं नेल पॉलिश लगाया करती थी, इस वजह से फरिश्तों ने मेरे नाखूनों को खींच लिया, नोच लिया। तो मेरी बहनों, हम इन तमाम इस हदीस से जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है, इस हदीस को हम हमेशा अपनी आंखों के सामने रखें, हमेशा अपनी जिंदगी में रखें कि इसके अलावा बहुत सारे और भी अजाबात है, लेकिन अल्लाह के नबी ने 6 अजाबात बताए, तो हम हमेशा इन 6 गुनाहों से बचें, ये 6 गुनाहों को अपने अंदर हरगिज भी आने ना दें। इसके बाद मेरी बहनों, नजाकत को जानते हुए मैं अपने एक बयान को यहीं पर इख्तिताम का अंजाम देती हूँ। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता करे। चलो, बहुत प्यारे दीन की बातें उन्होंने हमें बताई है, उम्मीद है कि हम सब इस पर अमल करेंगे। तो उम्मे सुलेम की जिम्मेदार भी हमारे बीच मौजूद है, तो उन्हें मैं दावत देती हूँ कि वो आए और अपने सलात का इजहार करें। Bismillahirrahmanirrahim.
प्रोग्राम में थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं, क्योंकि कुछ तालिबात है जो कि मायूस हो रही है कि उन्हें जवाब देने का मौका नहीं मिल सका, तो आइए हम उन्हें भी मौका देते हैं और कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो तैयार हैं आप सब? चलिए बढ़ते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए हमारा क्वेश्चन है, ग़ज़वाए उहद में कुफार में से किसने पत्थर मारकर बहुत ही अच्छे से गेम खेले, तो गवर्नमेंट टीम जो सेकंड
थर्ड टीम है क्रिसेंट जूनियर कॉलेज। क्रिसेंट जूनियर कॉलेज आप भी सेकंड राउंड में जा रहे हो तो बहुत ही मायूसी के साथ बताना पड़ रहा है कि जो कंबाइंड टीम थी वो लोग नेक्स्ट राउंड में नहीं जा पाएंगे। कोई बात नहीं, हमारे इस कॉम्पिटिशन का मतलब हार जीत नहीं है, बस इस्लामी तालीमात हम तक पहुंच सके और हम इस्लामी तालीमात को सीख सके या फिर सिखाने का हमें मौका मिल सके, इसीलिए हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। तो कोई बात नहीं, जो भी टीम आगे के राउंड में जा रही है उन्हें मुबारकबाद। यहाँ पर क्रिसेंट जूनियर कॉलेज की टीम थोड़ा हमारे पर आ रही है चूँकि उनका टेबल थोड़ा दूर है, तो आप लोग फर्स्ट टेबल पर आकर बैठ जाए है। और सेकेंड टीम है क्रिसेंट जूनियर कॉलेज जिसके स्कोर फर्स्ट टीम से थोड़े से कम है, और थर्ड है गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज। सेकेंड है गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज, सॉरी थर्ड है क्रिसेंट जूनियर कॉलेज। सेकेंड राउंड शुरू करते हैं, उससे पहले मैं रूल्स बता दूंगी। सेम वही रूल है, बजर आपको सवाल सुनने के बाद दबाना, अगर आप बजर दबाएंगी अगर फिर भी आंसर नहीं दे पाएंगी, और जब भी आप बजर दबाएंगी हमारा क्वेश्चन वहीं पर रुक जाएगा। अगर आप आंसर नहीं दोगे तो माइनस 5 पॉइंट। देखिए बहुत ही सोच समझ के खेलेगा, सेकंड राउंड है, अगर यहाँ पर माइनस हो गया स्कोर तो फिर आगे आप नहीं जा पाएंगी। और एक रूल क्या है, क्योंकि तीन टीम्स है तो जजेस को फैसला करने में भी थोड़ा मुश्किल होगा, तो मैं ये सेकंड राउंड में 20 क्वेश्चन पूछूंगी, 20 क्वेश्चंस होंगे सेकंड राउंड में, और जो भी जिसके भी स्कोर ज्यादा होंगे वो टीम आगे जाएगी और जिसके स्कोर कम होंगे वो टीम आगे नहीं जा पाएगी। तो आइए चलिए, आप लोग तैयार है ना? चलो बहुत ही जोश के साथ ये लोग तैयार है, तो हमारे सेकंड राउंड का शुरू करते हैं। सेकंड राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन, तो आइए जानते हैं कि सेकंड गुलामों में सबसे पहले जनाजा किसने पढ़ाया था? गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज। गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज, अपना आंसर दीजिए। जनाजा किसने पढ़ाया था? गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज। गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज ने नहीं पढ़ाया क्योंकि स्टैंडर्ड जूनियर कॉलेज नंबर 11 हिजरी का मुताबिक 632।
माशाल्लाह बहुत खूब, आपने सही आंसर दिया, परफेक्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आप लोग जवाब दोगे। इस्लाम में सबसे पहला कलमा कब पढ़ा है? गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज। आपको मौका मिलता है आंसर देने का, अपना आंसर बताइए कि आंसर क्या है। बारह रबीउल अव्वल एक हिजरी। गलत नहीं है आपका आंसर, बिल्कुल सही आंसर। गलत नहीं है आपका आंसर, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है। तो तैयार है आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमने अपना खुरखा मुबारक स्टैंडर्ड जूनियर कॉलेज के हिसाब से मेराज किस साल हुआ? गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज। गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज की टीम जिन्होंने फर्स्ट बजर दबाया है, अपना आंसर दीजिए प्लीज। 52 मिलादत नबवी। और एक बार। 27 रजब 52 मिलादत नबवी। क्या हो सकता है इसका आंसर? हाँ बिल्कुल ही सही आंसर है। आपको मिलते हैं +5 points। तो जो टीम नहीं खेल पा रही है उनके लिए एक मौका है, सिर्फ 4 क्वेश्चन है नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए। अगर 4 क्वेश्चंस की आप आंसर दे दोगे, अगर आपके स्कोर बढ़ जाएंगे तो आप आगे जा पाओगे। तो उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छा खेलोगे। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं कि क्या है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेराज फरमाई तो मस्जिद हराम से स्टैंडर्ड जूनियर कॉलेज हराम से बैतुल मुकद्दस से बैतुल माहूर की तरफ। माशाल्लाह आप लोग क्वेश्चन भी यहाँ पर लेके आए हैं। चलिए माशाल्लाह बहुत खूब। चलिए आंसर दीजिए आप। मस्जिद हराम से बैतुल मुकद्दस जो बगैर माँ बाप के आलम में वजूद में आए। गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज हजरत आदम अलैहि सलाम। जी हाँ बिल्कुल ही दुरुस्त आंसर मेरे पे यही बताया था कि बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं। चलो कोई बात नहीं, और 2 क्वेश्चन बाकी है, आप ट्राई कर सकते हो। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, तैयार रहिएगा। फिर हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम का जिक्र जी हाँ बिल्कुल ही दुरुस्त आंसर था आपका। जो इब्राहिम अलैहि सलाम का जिक्र कुराने मजीद में 68 मुकामात पर आया है। तो स्टैंडर्ड जूनियर कॉलेज को मिलते हैं +5 points। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, ये हमारे राउंड का। कुराने मजीद में कुल मक्की सूरतें कितनी हैं? Eighty-six.
क्या आंसर सही है? पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। सही है? मुझे नहीं लगता सही है, ऐसे ही लग रहा। मुझे भी नहीं लग रहा कि सही है, लेकिन मुझे भी नहीं लगता क्योंकि ये लोग बहुत कंफ्यूज है और इतने नर्वस है कि आप लोग श्योर हो? पक्का लॉक कर दूं? पक्का? ठीक है, सुना दीजिए आंसर। ये बिल्कुल ही सही आंसर है, क्लास 5 सेंट जूनियर कॉलेज। चलिए, वक्त है और फैसले का। तो जानते हैं कि फैसला क्या है, कौन सी टीम आगे जा पाती है और ना कि रोकना पड़ेगा। तो फैसला हमारे जजेस बताएंगे। बहुत मुश्किल सा फैसला है, सिकर का उठा ये, और सारी टीमों ने बहुत अच्छे से आंसर दिया है और बहुत ही अच्छा खेले हैं सब। उम्मीद है कि जो टीम, चलिए फैसला मैं तो नहीं बताऊंगी, जजेस ही बताएंगे। हम लोग थोड़ा ब्रेक लेंगे नाते पाक और हम सुन लेंगे, इसके बाद में हम लोग आपको स्कोर बताएं। ठीक है, कुछ पढ़ना चाह रहे हैं? नात पढ़ने के लिए आना चाहते थे या नहीं तो कुछ अच्छी मान। सलामुअलैकुम, हम तुम्हारे बने तमन्ना मुद्दतों से मेरे
लेकर नाच पढ़ने के लिए जो भी थोड़ी देर पहले उन्होंने पढ़ी थी कही थी। इस वजह से इस नाच के दरमियान में कुछ अल्फाज आएंगे जो उस अंधी लड़की ने अपने बारे में कहे हैं। मैं तो खुद उनके दिल की गदा हूँ, मेरी जान की इबादत आपके अदना गुलामों के गुलामों का गुलाम है, शर्त मेरे लिए इतनी ही निस्बत। तो ये जानना है कि हमें सेकंड राउंड में कौन सी टीम है जो कि नहीं पहुंच पाएगी थर्ड राउंड में, तो वैसा हमारे जजेस सुनाएंगे। बहुत ही दिलचस्प हो गया है ये सेकंड राउंड, बहुत मुश्किल है फैसला करना, तो आइए जजेस से जानते हैं कि कौन सी टीम आगे जा पा रही है। अच्छी कोशिश की जो टीम आगे नहीं जा पाएगी वो एक जूनियर क्रिसेंट जूनियर कॉलेज जिसके स्कोर सबसे कम पे सोने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों ने भी बहुत अच्छा खेला, तो हमारे थर्ड राउंड में जाते हैं स्टैंडर्ड जूनियर कॉलेज और गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर कॉलेज। प्लीज आप आगे आ जाइए। बस जूनियर कॉलेज, चलिए शुरू करेंगे हमारा थर्ड राउंड। तैयार हो आप लोग? चलो मैं फर्स्ट क्वेश्चन करती हूँ। थर्ड राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। कुरान मजीद में कुल कितनी आयतें हैं? स्टैंडर्ड जूनियर कॉलेज, स्टैंडर्ड जूनियर कॉलेज। एक और बार, 6,666। सही हो सकता है आंसर? नहीं, गलत है। नहीं, ये आंसर गलत है। चलो ठीक है, अब इतना शोर हो कि आंसर सही है तो बेशक आपका आंसर बिल्कुल ही दुरुस्त है। तो +5। चलो मैं सेकंड क्वेश्चन करूंगी, गौर से सुनिएगा। किस नबी के हाथ में सख्त लोहा? गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज की टीम। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में नरम हो जाता है, सख्त लोहा नरम हो जाता है। ओके, +5 पॉइंट। तो दो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं थर्ड राउंड के। तीसरा क्वेश्चन है, आदम सानी किस पैगंबर स्टैंडर्ड जूनियर कॉलेज? अपना आंसर बताइए, थोड़ा ऊंची आवाज में माइक कर लीजिए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है। श्योर हो आप? जी हाँ, बिल्कुल ही दुरुस्त आंसर था इसका। गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज। आपको मौका मिलता है, अपना आंसर बताइए। अबुल हासिम। जी हाँ, बिल्कुल ही दुरुस्त है। जी अबुल हासिम, अबुल हासिम। जी हाँ, बिल्कुल ही दुरुस्त आंसर है। गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज को मिलते हैं +5 पॉइंट। तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन, हजरत हलीमा को स्टैंडर्ड जूनियर कॉलेज। आप बताइए कि दुरुस्त आंसर क्या है? जी एक और बार बताइए। आप कबीला साद के पकड़ से तीसरे सानिया कहलाई। एक और बार। आप कबीला साद के पकड़ से तीसरे सानिया कहलाई।
गलत नहीं है, बिल्कुल ही सही आंसर है। टीम स्टैंडर्ड को मिलते हैं प्लस 5 पॉइंट। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दुनिया में कितने एमबीए स्टैंडर्ड जूनियर कॉलेज? आप लोग बजट दबा कर छोड़ दीजिए, कंटिन्यू मत करिए। 24,000 जी, एक बार आंसर के क्वेश्चन के साथ बताओ। मैं क्वेश्चन यहां पे दुनिया में अंबाई अंबी है, एक अंबो बेच 124,000 आए हैं, तशरीफ लाए हैं। जी हाँ, दुनिया में कंफो बेस एक, जी हाँ दुनिया में कंफो बेस 124,000 रुपए का तशरीफ लाए हैं। जी हाँ, बिल्कुल ही दुरुस्त आंसर है। इस स्टैंडर्ड को मिलते हैं प्लस 5 पॉइंट। कुरान मजीद की पहली वही स्टैंडर्ड जूनियर कॉलेज, अपना आंसर बताइए। कुरान मजीद की पहली वही गारे हिरा में नाजिल हुई, जिसे गोहे हिरा भी कहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही सही जवाब था ये। स्टैंडर्ड की इसको बोलते हैं प्लस 5 पॉइंट। आप सवाल सलाम पर कौन ईमान है? बिल्कुल सही आंसर। चलो बिल्कुल सही, जूनियर कॉलेज 5 पॉइंट प्लस 5। तो चलिए अगला क्वेश्चन भी इन्हीं से सुनते हैं कि क्या है। कुरान मस्जिद में किस नबी का नाम? स्टैंडर्ड जूनियर कॉलेज, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। कुरान मस्जिद में सबसे ज्यादा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम आया है। माशाल्लाह बहुत खूब, और माशाल्लाह बहुत खूब, और आंसर भी सही है। तो मार्क्स देंगे तो चलिए प्लस 5 नहीं देंगे, प्लस 5। चलिए आप लोगों को मिलते हैं प्लस 5 पॉइंट। चलिए अगला क्वेश्चन भी आप ही सुना दीजिए, सुनते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने के लिए माशाल्लाह प्लस 5 गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज, हजरत हूद अलैहिस्सलाम की स्टैंडर्ड जूनियर कॉलेज। स्टैंडर्ड जूनियर कॉलेज, सवाल भी पूरा कंप्लीट कीजिएगा और आंसर। हूद अलैहिस्सलाम के फॉर्म का नाम फॉर्म में आग है। एक और बार बोलिए हजरत। चलो टीम स्टैंडर्ड को मिलते हैं -5 नहीं +5। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो बहुत इजी सा सवाल है। कुरान मजीद में दुआ मांगने की गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज। गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज आंसर पूरा कंप्लीट कीजिएगा। कुरान मजीद में सत्ता कर कहा दुआ मांगने की ताकीद दी गई है। कितने मरतबा? 70। ठीक है प्लस 5 पॉइंट, आपका जवाब बिल्कुल ही दुरुस्त है। तो हम थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, इसके बाद और कुछ क्वेश्चन है। ये जो आप लोग बाजार बजा रहे हैं, स्कूल्स में बेल्स है, ये सब इनका वजूद कैसा होगा? इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू दमा सोचने की कैपेसिटी
और ये जो बेल्स, घंटी, बजर, इन सब का वजूद तब आया जब कुरान शरीफ नाजिल हो रहे। जब भी कुरान शरीफ हमेशा एक ही बार नाजिल नहीं हुई बल्कि थोड़े थोड़े से बिट्स में, टुकड़ों में नाजिल हुई। जब भी नाजिल होती थी तब हमारे हुजूर के कान में जोर जोर से घंटियां बजने लगती, पसीने से शराबोर हो जाते, उनको बेचैनी, चक्कर वगैरह आती। उस टाइम की एक घंटी बेल बजर की एजाद हुई। जी हाँ, मैं जबी जो नाते पाक पढ़ना था नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताजीम नहीं।
से स्टार्ट करेंगे, तो जितने भी टीम्स हैं वो लोग जैसे जल्द यहाँ पर आ जाइए। एक रात के बाद हम लोग कॉम्पिटिशन हमारा फिर से स्टार्ट कर देंगे। तो आइए मैं जबी जो के नाक पेश करना चाहती है सुनते हैं। जो लोग भी बाहर गए थे वो जल्द से जल्द आ जाइए, क्योंकि वक्त खत्म होता जा रहा है और हमें थर्ड राउंड भी खत्म करना है और सब लोग बहुत ही बेचैन हैं कि विनर कौन हो सकता है। निकल गए थे वो लोग को मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है, वो लोग को भी मेमोट से नवाजा जाएगा। अभी कुछ देर में एमएलए बालागंज गुप्ता और मेयर राकुल सुजाता जो कि मेहमान खुसूसी के तौर पर हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने वाले हैं, उन्हीं के हाथों आप लोगों को इनाम से नवाजा जाएगा फर्स्ट और सेकंड, और जो लोग भी पार्टिसिपेट हुए थे उनके भी मेमोट्स दिए जाएंगे। और माशाल्लाह सारी टीमों ने बहुत ही अच्छा खेला और बहुत ही दिलचस्प राउंड था हमारा फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड में तो उतना कुछ देखने को नहीं मिला, लेकिन सेकंड राउंड में सब लोग बहुत ही अच्छे अंदाज में खेले और बहुत दिलचस्प हो गया था गेम। और थर्ड राउंड भी इसी तरह, मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं दो टीम्स के स्कोर भी सेम होंगे, ऐसा भी हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, हम लोग बता नहीं सकते कि फैसला क्या होगा। तो चलिए फिर आप लोग रेडी हो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं। तो चलिए हमारा थर्ड राउंड का अगला क्वेश्चन है, थर्ड राउंड का अगला क्वेश्चन दोगे आप आंसर? कुरान का दिल किसको कहते हैं? बोलिए, माइक में बोलिए ना। ऑडियंस ने पहले बजर दबाया जी हाँ, तो पॉइंट ऑडियंस को दिए जाएंगे फिर। तो चलिए बताइए आपसे, सूरह यासीन को कुरान का दिल कहते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आयतें कौन सी कौन सी सूरह में आती है? ये कंपटीशन है, आप लोग जल्द से जल्द जवाब दीजिए। कोई लीजिए माइक पर आंसर दीजिए। तीसरे सूरह में, तीसरे सूरह में, तीसरे पारे में, तीसरे
जाएगा। बिल्कुल ही सही आंसर था, आपको भी प्लस 5 पॉइंट। नहीं, ये भी कॉम्पिटिशन का ही हिस्सा है, ये भी क्वेश्चन थे, बट सॉरी मैं आप लोगों को इसके मार्क्स नहीं दे सकती। क्यों आप लोगों को मार्क्स नहीं दे रही? नहीं नहीं, मैं आप लोगों को मार्क्स दूंगी, आपको नहीं मिलेंगे फिर मार्क्स, मैं गवर्नमेंट की तरफ से। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करूं मैं। ये प्रोग्राम किसने ऑर्गेनाइज किया? परवाज टीवी। परवाज टीवी, अच्छा अच्छा। ये प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी कौन है? अच्छा, अब बात करती हूँ वो अपने बच्चों के लिए पहला प्रचार करेंगे, इंशाल्लाह हम सबको फायदा होगा। तो मैं मोहम्मद अरशद मलिक साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो आए और अपने पहला प्रचार करें, और एक शेर के साथ मैं उनको स्टेज पर बुलाना चाहूँगी। मुझे एक गुना भी याद आता, मैं वो दरिया हूँ जिसके कर समंदर एकदम हो रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला की सनम से मोहब्बत करती है, इस तरह से मोहब्बत करती है कि सुनिए आप लोग, नबी से मोहब्बत इस तरह से करती है वो कानून के इतना ही उड़ी, इतना ही उड़ी कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला की सनम शहीद कर दिए गए। इतना थी कि आपके वालिद को जंग में शहीद कर दिया गया। हाँ, शहीद कर दिया गया, मगर मैं आगे जा, मगर उनके साथ सरकार उसे नजर आते हैं, सरकार के कब्रों में जा गिरती है। सरकार पूछते हैं साथ क्या मसला है, मेरे वालिद इस जंग में काम आ गए, मेरे शौहर इस जंग में काम आ गए, मेरा बेटा इस जंग में काम आ गया, मगर मुझे खुशी करती है। हमारे रोल मॉडल के सहाबियात हैं, सैयदा फातिमा है, सैयदा खदीजा है, सैयदा आयशा है, हाँ माया हजरत मारिया है, लेकिन हमारी रोल मॉडल तस्लीमा नसरी, हमारी रोल मॉडल तो हर किसी हो सकती है। इधर सिरात सिरात नसीरा अनंत अलैहि अल्लाह हमें उनके रास्ते पर चला जिस पर तेरा इनाम है, ये तो इनाम ही आपका होगा है। इनकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम मैं अल्लाह ताला की शुक्र गुज़ार हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मजलिस को हम सब के लिए मुंतखब फरमाया और हम सबको यहाँ पर जमा फरमाया ताकि हमें दीनी मालूमात से आरास्तगी मिल सके। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इस मजलिस को कायम करने वालों का कि उन्होंने हम तमाम खवातीन के लिए दीन अरब को सिरत को इस जैसे उनवान को हम सब के लिए मुंतखब किया। मैंने जो आयत आप सबके सामने बयान की है, रबी जितनी इल्मा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म को इंसान के लिए एक फर्ज कायम फरमाया है। जैसे कि हमको जीने का सलीका सीखना जैसे फ़र्ज है, इसी तरह दीन इल्म हासिल करना भी मुसलमान मर्द और औरत के लिए फ़र्ज है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद बंदे को ये हुक्म दिया कि वो अल्लाह से दुआ करे कि मुझे इल्म अता फरमाया जाए। इसी उन्वान पर मैं यहाँ पर आप सबके सामने कुछ बातें पेश करना चाहूँगी। नंबर एक ये कि आज ख़वातीन दीन से बहुत दूर होती जा रही हैं, क्योंकि ख़वातीन का रुझान दुनियावी तालीम पर है, मगरबी तहज़ीब पर है। आज ये फिक्र करने की बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़वातीन को ये हुक्म दिया कि वो पढ़े हों, तो मगरबी तहज़ीब ने इसको भी एक प्रैक्टिकल शक्ल दी। जिस तरह के आज का हिजाब ये मगरबी तहज़ीब का हिजाब है, और इल्म दीन हासिल करने के बाद ही हमको ये मालूम होता है कि शरीयत क्या है, शरीयत हमको किस चीज़ का हुक्म देती है। आज की ख़वातीन मुसलमान तो है लेकिन उनका रुझान मगरबी तालीम पर है, क्यों? इसकी वजह है दीनी तालीम से दूरी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जो कि
वाहिद ऐसे आलम थे जिनके बाद न किसी को ऐसा इल्म दिया गया, ना जिनसे पहले किसी को इल्म दिया गया। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा से सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने पूछा कि कोई ऐसी बात बताइए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बताइए। तो उम्मुल मोमिनीन ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद का चलता फिरता एक नमूना है, गोया कि सारे पानी को एक रोल में समेट कर रख दिया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बिल्कुल कुरान मजीद, इस तरह कुरान मजीद को खोल कर एक एक आयत को सामने रखा देखा जाए तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी आदत, सारी मामूलात, सारे मनसूबात, सब कुछ कुरान मजीद के मुताबिक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेराज का सफ़र किया तो दूसरे दिन आए और खुतबा दिया, फिर जब औरतों की जानिब आए तो क्या फरमाया, फरमाया कि तुम लान तान बहुत करती हो और मैंने तुम सबको जहन्नम में देखा और इसकी वजह यह है कि तुम बहुत ज़्यादा लान तान करती हो और नाशुक्री करती हो। आज हमारे पास अगर हमारे पास माल कम हो तो हम तो दूसरे की हिस्स होती है, लेकिन हमारे पास इल्मे दीन बिल्कुल भी नहीं है, इसमें हिस्स नहीं। ये गौर करने की बात है कि पहले की सहाबियात इनके लिए एक वतन एक मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क का सफ़र किया करती, लेकिन आज हमारे यहाँ हर शहर हर कस्बे में मदारिस मौजूद है, लेकिन खवातीन का रुझान कॉलेज और स्कूलों पर करो और उस पर अमल करो। जब एक औरत इल्म हासिल करती है और उस पर अमल करती है तो उससे सारी नस्लें बनती हैं, अगर इल्मे दीन से दूर रही और मगरबी तहजीब का शिकार रही तो उससे नस्लें बर्बाद हो जाती। आज जो हमारे सामने शिकायतें आ रही है कि बेटा औलाद माँ बाप की बात नहीं मानती, या फिर और बीवी शोहर की बात नहीं मानती, ऐसी सारी बातें इल्म नबवी से दूर रहने की वजह से पेश आती। देखा जाए तो मुल्क में मुसलमानों की तादाद, हर मुल्क से मिलाकर देखा जाए सारी दुनिया में तो मुसलमानों की तादाद हर मजहब से ज़्यादा है, लेकिन इसी ज़्यादाती की वजह से दूसरे मजाहिब हमको दूसरी तालीम की तरफ ले जाते हैं। हज़रत फातिमतुज़्ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में आता है कि हज़रत फातिमा के घर में तीन तीन दिन झूला नहीं जला, फिर भी वो किस वजह से सफ़र किया था, क्योंकि उनके पास नबी अलैहि सलाम की तरबियत थी, नबी अलैहि सलाम की परवरिश का नतीजा था। नबी अलैहि सलाम हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास एक मरतबा ईद के दिन, फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ईद का दिन आ चुका है, शहजादे हज़रत हसनैन रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन आकर बिलबिला रहे, रो रहे, कह रहे हैं माँ आज ईद का दिन है, मदीने के यतीम मदीने के गरीब बच्चे तक सब कपड़े पहने हुए, लेकिन हमारे पास पहनने को कपड़ा नहीं। हज़रत फातिमा ने कहा कि ए बच्चों देखो, मैं जब से हज़रत अली की निगाह में आई हूँ तब से मैंने अली से दुनिया के बारे में सवाल नहीं किया, तो आज मेरे लिए भी गवारा नहीं है और मेरे वालिद ने मुझे तरबियत दी है कि मैं दुनिया का सवाल सिर्फ अल्लाह से करूँ। फौरन मुसल्ला बिछाया और दो रकात नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ करने लगी, या अल्लाह आज तेरे शहजादे जिनको आपने जन्नत का सरदार करार फरमाया है वो शहजादे आज कपड़े मांग रहे हैं और मैं अली से सवाल नहीं कर सकती हूँ, अल्लाह मेरी हाजत आप पूरी कर दो। दुआ के हाथ नीचे भी नहीं रखे थे कि वहाँ पर खटके की आवाज़ आई, हजरत हसनैन ने जाकर दरवाज़ा खोला तो एक गधी थी, उसमें एक जोड़ा बराबर नाम का हजरत हसन और एक जोड़ा बराबर नाम का हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का मौजूद। तो ये तरबियत का नतीजा है, नबी अलैहि सलाम ने हजरत फातिमा को जिंदगी गुजारने का ढंग सिखाया और हमको उनको हमारे लिए नमूना बनाया। देखो कि मेरी बेटी ने कैसी जिंदगी गुजारी, देखो कि मेरी बीवी ने कैसी जिंदगी गुजारी, ये सब किसकी वजह से थी, ये सब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए इस्लाम की वजह से आज हमारे लिए नमूना और मिसाल बन गया। और आज के मामले देखा जाए तो इस्लामी खवातीन
मजहबी गैर मजहबी खवातीन पर सफर ले गई फैशन और खुद परस्ती के मामले में। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औरतों से फरमाया, अज़वाज मुतहरात से फरमाया कि देखो तुम दफ्तरी मर्दों के सामने, तुम्हारे सामने मर्द आ जाए तो तुम अपने चेहरे को ज्यादा नीचे लटका, अपने चेहरे पर से ज्यादा नीचे लटका। अज़वाज मुतहरात जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत का शर्फ हासिल हुआ, उम्मुल मोमिनीन का लखब हासिल हुआ, उनको आज अल्लाह ताला तालीम दे रहे हैं। उनके जरिए उनके पीछे हमारी भी तालीम है कि देखो जब नबी की बीवियां जो बख्शी बख्शाई हुई हैं उन्हें कुरान मजीद में नहीं छोड़ा गया तो हम तो एक औरत आम उम्मत है। इसलिए बहुत ही आसान है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अगर अमल किया जाए तो हमारी आखिरत बिल्कुल संवर जाएगी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को लिखने बैठा जाए तो सारे पेनों की स्याही भी खत्म हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको जिंदगी गुजारने का सारा तरीका बताया है कि देखो जब कभी मुसीबत आए तो अल्लाह से दुआ मांग लिया करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कभी मुसीबत आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशू और वुजू से वजू करते और फिर सल्ला बिछाते और खुशू और वुजू से दो रकात नमाज पढ़ लिया करते। ये मामूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। अब इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई खुशी पेश आ जाए तो भी जोर से दो रकात शुक्राना अदा कर लिया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बताया कि सुबह से लेकर शाम तक एक एक लम्हा तुम्हें कैसे गुजरना। सुबह उठते ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले फजर की नमाज पढ़ लिया करते थे, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना जो नबी अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म अता फरमाया था वो अस्हाबे सुफा के दरमियान तकसीम हुआ। देखा जाए तो पहला तारीखी मदरसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू हुआ, मदरसे की पहली तारीख नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू हुई। और इसके पहले तालिबे इल्म कौन थे? अस्हाबे सुफा रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनकी हमारी किताबों में तेदा कम से कम 70 आई और ज्यादा से ज्यादा की कोई तेदा मुकर नहीं। अस्हाबे सुफा ये कैसे तालिबे इल्म थे? ये तालिबे इल्म ऐसे थे कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है वो फरमाते हैं एक मरतबा 10 दिन गुजर गए मेरे लब से एक लुकमा नीचे गिरा और मुझे इसी भूख की वजह से बेहोशी हो जाया करती थी, लोग समझते थे कि मुझे जिंदगी का दौरा था। एक मरतबा मैं मस्जिद नबवी के दरवाजे पर बैठा हुआ था, हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, मैंने कहा अरे अबू बकर सिद्दीक मुझे अरहम का सूरा सुना दो, तो अबू बकर सिद्दीक खामोशी से अंदर चले। क्यों चले गए? क्योंकि हजरत अबू हुरैरा जब भूख लगती है तो आदमी की आवाज़ कैसी होती है, वो आवाज़ बताने के लिए, वो तकाजा बताने के लिए उन्होंने सूरह फातिहा का तकाजा किया। और अबू बकर सिद्दीक खामोशी से अंदर क्यों चले गए? क्योंकि उनके घर में भी यकीन है। हजरत अबू हुरैरा समझ गए, फरमाते हैं मैं समझ गया कि अबू बकर के घर में भी यही हाल है, उनके घर में भी पापा चले। फिर उमर आए, मैंने यही कहा, उमर भी ऐसे ही चले गए। उस्मान आए, उन्होंने भी ऐसे ही चले गए। और हजरत अली आए, वो भी ऐसे ही चले। फिर नबी अलैहिस्सलाम आए तो नबी अलैहिस्सलाम मेरे चेहरे को देखकर मुस्कुराने लगे, फरमाया ऐ अबू हुरैरा तो जाओ अज़वाज मुतहररात के पास जाओ और कहो उस खाने के लिए हैं तो मस्जिद नबवी में खिलाकर पेश करो। सारे अज़वाज मुतहररात 11 अज़वाज मुतहररात के पास पूछा गया तो सिर्फ एक प्याला दूध का, 11 घरों में सिर्फ एक प्याला दूध का ही था। नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू हुरैरा को हुक्म दिया कि वो लाकर मस्जिद नबवी में पेश करे। अब हजरत अबू हुरैरा कहते थे कि देखो मैं घबराने लगा, अब मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, सारे अस्हाबे सुफा भूखे थे, 70 अस्हाबे सुफा भूखे थे, अब मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा मैं बेचैन था, क्योंकि जो लाता है वो साकी में पाता है। साकी का काम यही होता है कि जो सबका पीना होने के बाद ही पी। फिर वो प्याला आया, नबी अलैहिस्सलाम ने उसमें से थोड़ा नोश फरमाया, फिर सारे अस्हाबे सुफा ने दूध पिया, उसके बावजूद भी हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि वो प्याला वैसा ही भरा हुआ लबरेज था। फिर मैंने भी उसमें से दूध पिया, तब जाके मेरी 11 दिनों की भूख हुई और मैं इतना पिया कि शिकम से
نے فرمایا ابو ہریرہ اور تو رضی اللہ، تو حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے نہیں کیا۔ وہ اصحاب، وہ صحابہ اکرام جنہوں نے 11 دن کے، 3 دن کے اور ایک ایک مہینے کے پاپے گزار کر ہم تک یہ علم میں نبوت پہنچایا، اور آج ہم اس علم کی داخل کر رہے ہیں۔ سامنے ہم دین کا علم رکھتے ہیں لیکن اسے حاصل کرنے کے لیے قدم نہیں پڑتا، کیونکہ آج ہم پر شیطان غالب آ چکا ہے۔ شیطان کی ساری چالیں ہم پر چل رہی ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہے، نماز پڑھیں گے، اور ابھی نہیں تھوڑی دیر اسی میں نماز کا وقت بھی نکلتا۔ نبی علیہ السلام نے ہم کو کیا حکم دیا کہ اول وقت میں نماز پڑھنے والا ہی جنت کا حقدار ہے، اور جو سستی سے نماز پڑھتا ہے وہ جہنم کا۔ نبی علیہ السلام نے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بھی فضیلت رکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جو شخص دین کے راستے میں نکلتا ہے تو اس کے نکلنے سے لے کر واپس اپنے اہل خانہ تک، اور فرمایا کہ جب وہ نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ فرشتے پاکیزہ مخلوق، ان سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا، جو بے حد معصوم ہیں۔ اللہ رب العزت ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے ان کے پروں کو منتخب کرتے ہیں، اس لیے کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے بھی اپنا حق کتنا مانگا۔ دن میں 5 نماز صرف پڑھ، اور اللہ رب العزت نے ہماری مغفرت کے لیے کئی بہانے دیے، جیسے کہ کوئی کسی کی مدد کرے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، کسی کو تکلیف نہ دے تو اس کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور یہاں تک کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے پر بھی اس کو سوال کیا جاتا ہے، وضو کرنے پر، وضو کے خطرات پر بھی اس کو سوال کیا جاتا ہے۔ اتنے سوال، اتنے سب کچھ سامنے رکھ کر کتنی ہم اس سے دور۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم کو دین علم کی طرف بڑھتا ہوا رجحان میں ہمیشہ کے لیے دائماً ہم سب کو پختہ ارادہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ سلیم صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، میں انہیں دعوت دیتی ہوں کہ وہ تشریف لائیں اسٹیج پر۔ ہمارے تھرڈ راؤنڈ میں ابھی اور 6 کوشچنز باقی ہے۔ جی ہاں، تو چلیے میرا پہلا کوشچن ہے آپ سب سے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کس دن ہوئی؟ اسٹینڈرڈ جونیئر کالج، 3 اسٹینڈرڈ، اپنا آنسر بتائیے۔ یوم عاشورا جمعہ کے دن۔ جی ہاں بالکل یہ درست آنسر آپ نے دیا ہے، 3 اسٹینڈرڈ کو ملتے ہیں پلس 5 پوائنٹس۔ حضور کے سگے چچا کون؟ 3 اسٹینڈرڈ، جنہوں نے فرسٹ بجر دبایا ہے۔ جی ہاں ماشاء اللہ، بہت انہوں نے درست جواب دیا ہے۔ تو میں جمعۃ علماء صدر حافظ زہ خان کو آواز دیتی ہوں کہ وہ اپنے کچھ خیالات کا اظہار کرے۔ اس پر تشریف فرما معزز قائد جناب سے پرواز ٹی وی چینل کی انتظامیہ، آپ سبھی کو سب سے پہلے تو اس بات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کارشائی کی توفیق عطا فرمائی کہ آج کے اس دور میں جبکہ سوشل میڈیا، نیٹ اور دیگر ٹیکنالوجی کے ذریعے نوجوان طبقہ، اس میں لڑکے لڑکیاں، بھائی بہنیں سب شامل ہیں، وہ لوگ صرف اور صرف دین کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے حاصل کر رہے ہیں، جبکہ اس میں بہت سی جھوٹ،
और मिलावटी बातें होती है। अगर किताब में अगर उसको देखा जाए तो किताब से दूर रहती है। आज के ऐसे माहौल में इस्लामिक क्विज कॉम्पिटिशन मुनाकिद करने पर और इसके इंतजामिया को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो तालिबात हमारी बहनें यहाँ पर आई हैं और अपनी इस्लामी रुझानात और इस्लामी तालीमात से लगाव का सबूत देकर आपने अपना वक्त यहाँ पर दिया है। खास बात तो ये है कि तलबा के लिए तालीम के दिन में यानी वर्किंग डे काम के दिन अगर काम लगाए तो बहुत अच्छा लगता है, काम करने में दिलचस्पी होती है। लेकिन तातील के दिन छुट्टी के दिन अगर कोई काम कहा जाए तो बड़ा दुश्वार काम होता है। तलबा के लिए छुट्टी के दिन अगर कोई काम अगर कोई लगाए तो तलबा ये समझते हैं कि ये हमारी तातील को मार खा रहा है, ये तो हमारा दुश्मन उसको अपना मुखालिफ समझते हैं। फिर भी आपने छुट्टी के दिन में इस्लामिक क्विज कॉम्पिटिशन में शिरकत की है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह इसको कबूल फरमाए। मेरी बहने एक बात याद रखने की है कि कभी तारीख की अगर हवालों से देखा जाए तो कभी हमारी बहने ऐसे भाइयों को दुनिया को दी है और कभी ऐसी माएं ऐसी औलाद की है कि कभी वो सलाहुद्दीन अय्यूबी बनकर तो कभी मोहम्मद बिन कासिम बनकर तो कभी बड़े से बड़े जलील कदर सहाबा बनकर दुनिया में पेश आए। वो मां ही थी जिसकी वजह से एक बड़े से बड़े लोग दुनिया और आखिरत में कामयाबी के उरूज पर पहुंचने वाले लोग बने। एक वाकया सुनाता हूँ, इस्लामी वाबस्तगी से अटूट वाकया, जिसमें एक खातून का नाम आता है हजरत खंसा। हजरत खंसा रजी अल्लाह अन्हा के चार बेटे थे और चारों के चार बेटे एक जंग में शहीद हुए। सुबह का वक्त था, इशराक और चाश्त के बाद का वक्त था कि खबर आई कि खंसा तुम्हारे पहले जवान बेटे का उस जंग में शहीद हो गए हैं, उन पर काफिरों ने हमला किया और आपका सबसे होनहार बेटा उसमें शहीद हो गया। तो हजरत खंसा कहती है कि अल्हम्दुलिल्लाह, वजू करकर दो रकात नमाज पढ़ती है और अल्लाह का शुक्र अदा करती है कि अल्लाह मैं बड़ी खुशनसीब माँ हूँ कि मेरे नौजवान बेटे को तूने अपने राह में कबूल कर लिया और कयामत का दिन होगा और मैं जब उठूंगी तो बड़े फख्र के साथ उठूंगी कि मुझे ये पुकारा जाएगा कि फलां इस्लामी जिहाद में शहीद होने वाली फलां शख्स की माँ, एक शहीद की माँ का अगर मुझे दर्जा दिया जाएगा तो ये आपके गम से कहीं ज्यादा मेरी उस दिन की खुशी की बात होगी। हजरत खंसा शुक्र अदा कर रही है अल्लाह का। फिर थोड़ी देर के बाद जोहर के बाद खबर आई कि दूसरा नौजवान बेटा भी उस जंग में शहीद हो गया। उसके बाद आपने हजरत खंसा दो रकात नमाज पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा करती है। थोड़ी देर के बाद खबर मिलती है कि तीसरा नौजवान बेटा आपका वो जिहाद में शहीद हो गया और थोड़ी देर के बाद चौथे बेटे की भी शहादत कर इत्तिला खबर मिलती है। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक मां के लिए जब एक उसका बेटा, चाहे बेटा जवान हो या बूढ़ा हो जाए, मां के सामने वो उसका बच्चा ही कहलाता है। बच्चे को थोड़ी सी खराश मां बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन इस्लाम की दीन की अजमत उन लोगों में ऐसी थी कि अपनी सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज अपनी औलाद और नौजवान बेटों को इस्लाम के लिए शहीद करने, इस्लाम के लिए वक्फ करने के लिए तैयार थी। यही वो जज्बा था जिसकी वजह से आज तक इंसानियत बाकी है कि ऐसी ख्वातीन थी कि अपने औलाद को इस्लाम पर मर मिटने पर खुशी का इजहार करें, ऐसा नहीं कि इस्लाम पर वक्फ हो जाने पर उसको ताने कसते। आज की हालत तो अगर सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाईन के वाकियात को और सहाबियात के वाकियात को, अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा की जिंदगी को या हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की सीरत मुबारका को अगर आज बयान की जाए हकीकत में, तो शायद मैं ये समझता हूँ कि शुकूक को शुबहात और तरद्दुद महसूस हो कि क्या ऐसे भी उन्होंने किया हो, क्योंकि दीन से इतनी दूरी हो गई कि हम हकीकी तारीख को यकीन करने के लिए तैयार नहीं। हमारी माएं ऐसी ऐसी कुर्बानियां दे चुकी हैं और उनकी तरबियत का यह आलम था कि एक मर्तबा की बात है, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु
जिनकी उम्र कमोबेश 4 या 5 साल की थी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत शरीफ में सदके के खजूर आए, और बच्चे तो मासूम होते हैं, उनको किसी चीज की खबर नहीं होती, अगर आग भी सामने है तो वो चुनका लगने तक उसको देखते रहते हैं, जब तक हाथ लगाने के लिए बेचैन रहते हैं। उन्होंने हजरत हुसैन जिनकी उम्र 4 या 5 साल की है, आपने खजूर सदके की टोकरी में से उठाकर जब खाया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हलक में उंगली डालकर, जबकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह मामूल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर सजदे में होते, हजरत हसन या हुसैन आपकी पीठ पर पुश्त पर आकर बैठ जाते। छोटे बच्चे घरों में देखते होंगे आप कि माँ बाप या कोई बड़े जब नमाज पढ़ते हैं तो बच्चे उनके ऊपर बैठ जाते, तो जब तक हजरत हुसैन अपनी मर्जी से नहीं उठते, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से नहीं उठते। उनसे इतनी शफ़क़त मोहब्बत थी कि उनकी जरा सी तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं होती। उसके बावजूद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलक में उंगली डालकर ये कहा, हदीस के जुमले हैं, कफ कफ के निकालो, ये तुम्हारे लिए जायज नहीं, सादात घराने के लोग सदका नहीं खाते। आपने उनसे उंगली डालकर उनसे खजूर निकाला। फिर यही हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने जब उनकी 6 या 7 बरस की उम्र हुई, उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा शख्स जिनकी उम्र 60-65 साल है, वजू खाने पर वजू कर रहे हैं, और हालत यह है कि कोहनी खुश्क है और थोड़ा सा चेहरा भी खुश्क है, पीता भी नहीं है, और तरबियत का यह आलम कि कहां पर तरबियत हो रही है, हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा जो कि जन्नती औरतों की सरदार है, अब वो ये तो कह सकते थे कि चाचा जान या नाना जान आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र के बराबर है, वो बूढ़े शख्स उनका वजू दुरुस्त नहीं। उन्होंने कहा कि आप थोड़ी देर बैठ जाइए और मेरी इसलाह कीजिए, देखिए कि मैं किस तरह वजू करता हूँ। और उस बड़े बूढ़े आदमी के सामने बैठकर हजरत हुसैन ने वजू किया, तो वो साहब समझ गए कि गलती मेरी है कि इसलाह इस तरह कर रहे हैं, और आपने अपने वजू की इसलाह कर। मेरे मोहतरम खवातीन और मेरी इज्जत माँ कलमों को बहनों, ये हमारी ऐसी तारीख है कि जिसमें इस्लाम की तारीख ले लीजिए या दुनिया की, जब जब भी इंकलाब आया उसके पीछे एक बेहतरीन माँ ही का रोल रहा, या एक बेहतरीन बहन ही का रोल रहा, या एक बेहतरीन बीवी ही का रोल था उसके अंदर, जो खुद की तरक्की और कामयाबी उन लोगों को मिली। एक बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ कि हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा जब देखती हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई, और कुरान करीम के बारे में क्या कहा गया कि कुरान बहुत सकील है, इतना वजन है कि जब शुरू में इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, आप अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्राइल ने अल्लाह के पास से लाकर पहुंचाया था, नाजिल हुई थी, उसके बोझ से उसके वजन से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी तकलीफ थी और इतनी शदीद तकलीफ थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में जुमले ये जंबुलूनी जंबुल मुझे कंबल गरम उड़ा दीजिए और मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब मैं मर जाऊं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब मर जाऊं। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा घर में थी, कहा कि देखिए आप तो गरीबों के गमखार हैं, आप बेसहारा के लोगों के सहारा लेने वाले हैं, आप गरीब लोगों के मददगार हैं, ऐसा नहीं हो सकता, आप जरूर भी जरूर अल्लाह आपको शायान शान आपके मर्तबे को बुलंद करना चाहते हैं, आप इस तकलीफ को ये मत समझिए कि इस तकलीफ के जरिए से आपको कोई मुसीबत आने वाली है, और आप ऐसा भी मत कहिए कि शायद आप मर जाएं, नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आपके दर्जात को बुलंद करना चाहता है। नबूवत की पहली आयत जब नाज़िल हुई, तसल्ली हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा दे रही है कि आप तसल्ली रखिए कि इंशाअल्लाह अल्लाह आपके दर्जात को बुलंद करने वाले हैं। ये खातून थी, ये घर की वो खातून थी जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी तकलीफ के वक्त उनको तसल्ली और दिलासा दे रही थी कि जरूर अल्लाह आपके दर्जात को बुलंद करने वाले हैं। तो मेरी बहनें, हम भी हमारे घर में रहते हैं कि अगर आज के मौके पर किसी दीनी वजह से कोई दुश्वारी पेश आए तो हम खुद अगर दीन पर मुकम्मल अमल न कर सकें तो दूसरे अपने भाइयों को बहनों को तसल्ली देने वाले। आज का माहौल ऐसा है कि घर का अगर कोई नौजवान कॉलेज का है हमारा भाई, अगर वो दुनिया की बेरहमती इख्तियार करकर चेहरे पर दाढ़ी रख ले और इस्लामी लिबास पहनना शुरू करे तो उसको खानदान के लोग ताने तशनीक देते हैं,
तो ऐसे वक्त में आपका काम है कि आप कह जाए कि ये मेरा भाई है, ये दुनिया की जाहिलाना रुसूमात को छोड़कर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की तरफ जा रहे हैं, ऐसी बहनें उनकी तारीफ करने वाले बने और घर में माहौल बनाए कि हम बड़ों का ये कौल है कि मर्द सुधरा एक फर्द सुधरा, मर्द सुधरा एक फर्द सुधरा, और मर्द के अंदर दीन आया तो घर के बाहर दीन, अगर औरत के अंदर दीन आया तो पूरे घर में दीन, और खातून की इस्लाह पूरे खानदान की इस्लाह है। इसलिए कि आज जरूरत है कि हमारे खवातीन के अंदर दीनी रुझान का इजाफा हो और दीन के लिए अपने आप को वक्फ करने का और दीन के लिए मशक्कत बर्दाश्त करने का और जद्दोजहद का जज्बा बेदार होने की सख्त जरूरत है। आज के इस प्रोग्राम का मकसद भी ये है कि इस्लामिक क्विज कॉम्पिटिशन यानी कि इस्लामी सवाल, आपके जहन में कितने इस्लामी मालूमात है और कितना इस्लाम से आपके का लगा हुआ है, ये एक किस्म का समझिए टेस्ट करना चाहते हैं। हालांकि इस्लामी जितना हमको लगा हुआ होगा और जितना हमारे अंदर इस्लामी तरजीहात होंगी, ये मेरी आपकी सबके लिए दुनिया और आखिरत की भलाई का सबब बनेगी। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और इस इदारे के तमाम मुंतजमीन को अल्लाह तबारक व तआला बेहतरीन इसका अजर अजीम अता फरमाए। आमीन। अब मैं हमारे मेहमान खुसूसी रेडको चेयरमैन जनाब एहसे अलीम साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें कुछ दो लोगों के लिए। हमारे निजामबाद के जमीयत उल उलमा के सदर और ये परवाज चैनल के तरफ से जो हमारे माशरे के अंदर सुधार लाने के लिए आज की दौर में जो फिरका परस्ती चल रही है उसके अंदर हमारी बहनों के अंदर ये जो प्रोग्राम दीनी मालूमात का प्रोग्राम जो लगाया है, मैं हमारे अफजल भी का परवाज चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इस मौके पर ये कहना बहुत ज़रूरी है, ऐसे प्रोग्राम मुनक़द करने से यहाँ और हमारी लड़कियों में ही नहीं ऐसे प्रोग्राम लड़कों में भी मुनक़द करना चाहिए ताकि आजकल ये टीवी चैनल व्हाट्सएप ये जो आगे घर का माहौल खराब कर रहे हैं, चाहे आप इंग्लिश में तालीम हासिल कीजिए या हिंदू में तालीम हासिल कीजिए या किसी भी मतलब किसी भी लैंग्वेज में तालीम हासिल कीजिए, लेकिन हम मुसलमान हैं इसलिए हमारे को दीनी तालीम की बहुत बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि दीन हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बताए वो दीन के रास्ते पर चल कर ही हम हमारी ज़िंदगी को कामयाब कर सकते हैं और आखिरत को कामयाब कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों का आज जो इस मुकाबले के अंदर जो भी आए हैं हमारे बहने उनका तहे से शुक्रगुजार हूँ कि वो काफ़ी दीनी मालूमात रखे इतने जो बैठे हुए हैं हमारी बहने, वाकई बहुत खुशी की बात है। ऐसे ही प्रोग्राम में अफजल भाई से गुजारिश करता हूँ कि लड़कों में भी लगाए जाएँ, जिस तरीके से लड़कियों के अंदर जो दीनी मालूमात का जज्बा पैदा कर रहे हैं उसी तरीके से लड़कों में भी दीनी मालूमात का जज्बा पैदा करना चाहिए। फिर एक बार मैं हमारे अफजल भाई का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और आप लोगों का जो आप यहाँ पर आके जो दीनी मालूमात के बारे में इतने अच्छे जवाब दिए तो मैं आप लोगों को ये जो मौका दिया उसका शुक्रिया। तो हमारे अभी कुछ ही देर में अरबन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता और मेयर राहुल सुजाता हमारे बीच मौजूद होंगे, तो बस थोड़े से इंतजार के बाद मैं आप लोगों को तीन क्वेश्चंस पूछूंगी। उसके बाद जो भी टीम फर्स्ट आएगी उन्हें अरबन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता के हाथों इनाम से नवाजा जाएगा और जितने भी टीम ने पार्टिसिपेट किया है उन्हें भी मेमोर से नवाजा जाएगा। साहब का
समझने में थोड़ा देर हो जाते हैं, समझने के लिए जरा मुश्किल हो जाते हैं, तो आप लोग समझाना चाहिए उसको। इससे पहले कोई गवर्नमेंट इतना बड़ा रकम नहीं दिया है, इससे पहले ऐसा कोई आके घरों में जाके नहीं दिया है, तो इनके साथ रहना जरूरी है। और बहुत अच्छा लगा अफजल भाई, कभी कभी ऐसे ही प्रोग्राम्स करते रहो, बच्चों को इंकरेज करते रहो और इनको भी आगे लेके जाओ, कौन बनेगा करोड़पति के ऐसे प्रोग्राम्स बनाओ आपके टीवी की तरफ से। थैंक यू, ये मुझे मौका दिया शुक्रिया। और उनके स्टार कजागिन हमारे सामने पेश कर रहे थे, मैं आप तमाम ही का मशहूर है विनर्स के लिए स्टैंडर्ड डिग्री कॉलेज से जाना है। तो अब जजेस बताएंगे कि कौन सी टीम फर्स्ट है और कौन सी टीम सेकंड। विनर्स के लिए स्टैंडर्ड डिग्री कॉलेज से जाना है। इसके लिए थोड़ी मायूसी की बात है क्योंकि बोधन वाले यहाँ का प्राइज मार्क नहीं है। जी ये बोधन का कॉलेज है सर। मैं जरूर डीओ से भी बात करूंगा, जो मेरे से हो सकता है 100% मैं करूंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी तमाम जो पार्टिसिपेट है यहां पर तशरीफ लाएं। टीम क्रिसेंट एंड टीम कंबाइन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो भी यहाँ पर स्टेज पर नशीब लाए। तो ये थे हमारे इस्लामिक क्विज 2017 कंपटीशन के जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अपने मेले बिगाला साहब जो गवर्नमेंट की स्कीम और उनके